तो चलिए देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड सिद्ध करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014, 15, 16, 18, 19 ये पूरे लगभग कंटिन्यू ईयर्स में कवर किया है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई में हम लोग दो पर टेन एक्स प्लस टेन वाई का फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई होता है। अब क्या करेंगे कि फिर वही फार्मूला टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, अब एक्स ये होगा और वाई ये होगा, तो एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई प्लस जेड बटा वन माइनस एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई इंटू जेड इज इक्वल टू पाई। क्या करेंगे जब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, और पहले इसको हटा देंगे, टेन इनवर्स जब इधर जाएगा टेन पाई बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और इसको ऊपर वाले सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई वन माइनस एक्स वाई और इक्वल टू वन माइनस ये जेड ऊपर जाएगा तो एक्स जेड प्लस वाई जेड बाई वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टेन पाई। टेन पाई का मान मतलब टेन 180 डिग्री, यहाँ पे हम लिख देंगे टेन पाई, और टेन पाई का मान होता है यहाँ पे समझ लीजिए टेन 180 डिग्री का मतलब 90 प्लस 90, 90 प्लस थीटा दूसरे में पड़ता है, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में टेन का मान नेगेटिव होता है वो हो जाएगा, और कॉट में चेंज हो जाता है, काट 90 डिग्री, इसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे जो ही हम लोग बराबर 0 रखेंगे, ये जितने भी नीचे का फंक्शन है 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएंगे, तो बच जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाई वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू फिर 0। फिर एक बार ये क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्रूफ होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लगाएंगे, इसी तरह के वीडियो आप देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बस, ये भी क्वेश्चन 2017 में आया है। यदि साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 3/4।
तो हमको दिए हुए फंक्शन से साइन का वैल्यू तभी क्रॉस होगा जब इसमें दोनों या तो साइन होगा नहीं तो कॉस होगा। तो हम एक कुछ चेंज कर देते हैं यहाँ पे, साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस पाई साइन थीटा। अब यहाँ साइन से साइन क्रॉस हो जाते हैं, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन में साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, बच गया क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस पाई साइन थीटा। अब दोनों तरफ से ये पाई कॉमन लेके क्रॉस हो जाएंगे, कॉस थीटा ये माइनस साइन थीटा इधर आएगा, साइन थीटा में इज इक्वल टू वन बाई टू यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग 90 प्लस थीटा करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन चेंज होगा तो दिक्कत होगी आप लोगों को। एक बार और देख लीजिए यहाँ से, यहाँ 90 प्लस थीटा का कंडीशन अप्लाई किया, 90 प्लस थीटा दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है इसीलिए कॉस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। सही है, ठीक है, अभी वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस पाई साइन थीटा, दोनों साइड से पाई कॉमन लेके कट हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस साइन थीटा, साइन थीटा को इधर लाइए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू, दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दीजिएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर, तो प्लस, तो यहाँ पे इसका वैल्यू वन माइनस और टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन टू थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर, ये इधर जाएगा, वन माइनस वन बाई फोर इज इक्वल टू साइन टू थीटा, थ्री बाई फोर इज इक्वल टू साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री बाई फोर, थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू साइन इनवर्स थ्री बाई फोर होता है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रूफ होता है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ पुनः नो डाउट के इस एजुकेशनल चैनल में। यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, तथा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे छोटे भाई दोस्त मित्र तक ये वीडियो पहुंच सके, उसका वो फ़ायदा उठा सके। तो मैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इस तीसरे वीडियो में, जो लास्ट मेरा वीडियो है, सारे क्रीम क्वेश्चन मैं छांट कर तीन फाइल बना दिया हूँ, तीन वीडियो जो मैं मेरे प्लेलिस्ट में सम्मिलित है, साथ में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। आप लोग वहाँ से जाकर इस वीडियो को, इसके जो दो पहले वाले वीडियो है उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन ट्रैक कर रहा हूँ जो किसी न किसी साल आए हुए हैं, और इस तरह के वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा इस चैनल पे। इस चैनल पे आप लोगों को एयरफोर्स नेवी वन डे एग्ज़ाम्स के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आप लोग इस
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा इस चैनल पर बने रहने की कोशिश करें ताकि कुछ नया सीख सकें। तो चलिए इस वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन बेहतरीन लेकर आया हूँ। जैसे हमें टैन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स माइनस प्लस वन इज इक्वल टू टैन इनवर्स थ्री एक्स को हल कीजिए। ये क्वेश्चन जो है 2014 में आया था। टैन के तो क्वेश्चन एक निश्चित ही आएगा, जब आप लोग एग्जाम देकर आएंगे तो एक बार कमेंट करके ज़रूर इस वीडियो को बता दीजिएगा कि आप टैन के संबंधित प्रश्न पत्र में आए थे या नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन, तो जब भी टैन इनवर्स प्लस टैन इनवर्स के रूप में कोई फंक्शन आता है, हल करने का मतलब वहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है, तो आप टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसमें से मैं इन दोनों पर टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फार्मूला अप्लाई कर देता हूं और इसको राइट साइड कर देता हूं, उधर साइड भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टैन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टैन इनवर्स थ्री एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स। इसको क्या किया हूँ कि इन दोनों को एक फंक्शन राइट साइड में लेफ्ट में और इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, इसको टैन इनवर्स एक्स को, और इन दोनों फंक्शनों में मैं ये फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई और इसके प्लस माइनस फार्मूले आप लोगों को क्लियर फाई होना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, इसको हम लोग x मान लें, इसको y, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाई वन माइनस x माइनस वन एक्स प्लस वन। ध्यान से देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है, ये है x, ये है y, x प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई, जस्ट लाइक फर्स्ट LHS की तरह RHS में भी वैसे ही अप्लाई कीजिए। टैन इनवर्स, हाँ यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो प्लस ऊपर नीचे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस थ्री एक्स इंटू एक्स। तो ध्यान से देखिए दोनों तरफ टैन इनवर्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे वन वन कैंसिल होके टू एक्स वन माइनस, देखिए यहाँ पे गलतियाँ क्या होती है कि बच्चे जो है एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी के तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे चिन्ह बदलने के लिए ये डायरेक्ट कर देंगे, ऐसे कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो है दोनों जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस इस पर प्रभाव डालेगा, इसीलिए ये हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यहाँ पे थ्री एक्स माइनस एक्स मतलब टू एक्स और वन प्लस थ्री एक्स इंटू एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, तो अब इसका ब्रैकेट तोड़िए या
टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखिए यहाँ पे चिन्ह चेंज हो गया, इज इक्वल टू टू एक्स बाई वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं ऊपर से ऊपर, और बाकी जो फंक्शन का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वन वन टू माइनस एक्स स्क्वायर, वन से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम रहेगा। यहाँ पे समझ लीजिए वन प्लस वन टू और माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को एक तरफ लाइए, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस वन, ये गया इधर लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट चिन्ह चेंज करते हुए। फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, अरे सॉरी वन बाई फोर, यहाँ पे यहाँ कर देता हूँ लास्ट, फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन बाई फोर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई टू। तो एक्स का मान दोनों हो सकता है, एक्स का मान प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हाँ, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे वो वहाँ से नोट कर सकें। और सारे वीडियो में हर चैप्टर का क्रीम क्वेश्चन छांट कर अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसे देखते रहिएगा। आप मुझे पूरा आशा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को